फाइनली गाइस मुझे बिल्कुल अपने पास बर्फ मिल चुकी है। देखो वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में मैं करूंगा। फाइनली मजा आ गए हो। ये रास्ते खुद कहीं नहीं जाते बट हमें एक ऐसी मंजिल की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि हम जन्नत के पास हैं। मैं सही रास्ते से आया हूँ ना। कोई है? फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। मेरा नाम है आदित्य सरीन, आप देख रहे हैं फ्रीवे राइडर्स। अभी मैं हूँ काजा जो 12800 फीट पे बसा हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया काजा की मोनेस्ट्री और काजा के आसपास के एरिया। आज का प्लान ये है कि आज हम जाएंगे लांगसा, हिक्किम एंड कॉमिक। हिक्किम में आपको हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस मिलता है दुनिया का और कॉमिक हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बसा हुआ गांव है जो 14280 फीट है। लांगसा में आपको एक स्टैचू मिलता है बुद्धा का जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था, वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज। मेरे रूम से सामने का व्यू कुछ ऐसा है, आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे। मुझे राइडिंग जैकेट पहननी है, कुछ खाना ज़रूर है क्योंकि अपने खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो खाना खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे और काजा को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ KTM पे। बाइक मैंने स्टार्ट करके रख दिया ताकि इंजन थोड़ा गर्म हो जाए। लांगसा मेरे लाइक रूम से 16 किलोमीटर दिखा रहा है। मुझे एक जैकेट और पहननी चाहिए थी। काजा इतना ब्यूटीफुल है कि आप यहाँ पे 2 दिन रुकिए तभी आप काजा को एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो कुछ कुछ चट्टानों में आपको हरियाली देखने को मिलेगी और जो कांटे वाले फ्लावर्स है, जैसे ये कांटे वाले फ्लावर्स है, इसमें फूल उग जाते हैं उस टाइम तक। तो आप अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अच्छा 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 हाँ जी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हाँ जी ओके यहाँ से जाइएगा। हाँ जी आप पहले हिक्किम जाएंगे ओके उसके बाद कॉमिक। हाँ ठीक है वहाँ से स्ट्रेट रोड निकल के इधर। अच्छा इधर के लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू। तो भैया ने बताया रोड बंद है क्योंकि रोड बना रहे हैं। तो वैसे तो ये रोड थी बट रोड अभी बन रही है दोपहर तक ही खुल जाएगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं कॉमिक की तरफ। वो रोड खराब होती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। पूरी ऑफ रोड है, रोड बनी हुई नहीं है अभी यहाँ पे इस रूट पे। तो खासकर KTM वाले ग्लव से ठंड लग रही है और मोटे वाले ग्लव से ग्रिप नहीं बन पा रही, जबकि मोटे वाले ग्लव को मैंने सर्दियों में बहुत यूज़ किया है, होता है बहुत टाइम बाद अगर आप उस ग्लव को कोई भी ग्लव को यूज़ करते हो तो कभी कभी ग्रिप नहीं बन पाती। अभी तक इस रास्ते में मुझे मेरे अलावा कोई नहीं दिखा है। जब आप सोलो राइड करते हो तो मैं फिर से कहूँगा आपको मेंटली स्ट्रांग बहुत होना पड़ता है। क्या इस रास्ते में अभी तक कोई नहीं दिखा मुझे और कुछ भी अगर हुआ तो मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है टेंट सा बना हुआ। ओए होए नीचे बिल्कुल खाई है। ये है काजा, ये काजा का एरिया नीचे। और सुबह मैंने आपको दिखाया था उन फ्लैग, तो हम इतनी ऊपर आ चुके हैं, हम इस रास्ते से ऐसे ऐसे होके आए हैं। थैंक यू गॉड, फ्रीवे राइडर ऑसम। मेरी आवाज इको हो रही है। ये डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई नहीं देखा अभी तक। यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, कॉमिक कॉमिक यही ना हिक्किम ये है। अच्छा कॉमिक आगे ठीक है जी थैंक यू। तो ये है हिक्किम गांव और मुझे ये ढूंढना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है जहाँ से लोग पोस्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस तो यहाँ से आना पड़ेगा। एक लड़का आ रहा है हेल्प करने के लिए। नवांग नाम है नवांग। अच्छा तो मैं ये मेरे को वहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे। वहाँ पे जाना है आपको? अच्छा तो स्कूल जाते हो? स्कूल स्कूल जाते हो? मैं दिल्ली से। ये छोटा सा लड़का मेरी वीडियो बना रहा है ये इसको मैंने बाइक में लिफ्ट दे दी थी। भूल गया यहाँ से आना था। हाँ जी यहाँ से नीचे यहाँ से
ये मैं पहुंच गया हूँ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम। यहाँ से अपने घर को एक पोस्ट करता हूँ कुछ लिख के, देखते कितने दिनों में पहुंचता है। वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ हूँ मैं अभी। बहुत है, आज टिकट नहीं है। फिर कैसे करेंगे? स्टैम्प्स खत्म हो गया ना। अच्छा, स्टैम्प खत्म हो गया। ऐसा नहीं कर सकते जैसे मैं लिख दूं, जब स्टैम्प आए तो आप लगा देना, मैं आपको अमाउंट दे जाता हूँ। ऐसे कर देते, ठीक है? ये हो सकता ना? शायद एक को हो जाएगा तो पता नहीं। एक, हाँ एक का ही चाहिए। हाँ, कार्ड मेरे पास 15 रुपये है, 20 रुपये का मिलता है। हाँ ठीक है, दे दो। वो देखो। हाँ ठीक है, दे दो। ये 5-6 रुपये का टिकट लगा। हाँ तो 26 रुपये हो गए ना, ठीक है। तो मेरा ये कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम स्पीति वैली, और मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। आदित्य सरीन। मैंने ये पोस्ट कार्ड लिया है, इसके चार्जेस 20 रुपीज़ है और 6 रुपये की टिकट लगेगी। और ये मैंने लिख दिया है जो मैंने अपने घर की तरफ भेजना है, तो वो मिल जाएगा। कितने दिनों में मिलता है ये देखने वाली बात है। 8-9 दिन में पहुंच जाएगा ना। चलो बस ये कर, जगहों पे आप नीचे तो आराम से उतर जाओगे, चढ़ाई चढ़ते वक्त हालत खराब हो गई है। मेरे सामने चट्टान में बर्फ पड़ी हुई है, इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। और थोड़ी बहुत पता नहीं, आई डोंट नो, ये शायद राइड की वजह से सांस फूल रही है। फाइनली गाइस, मुझे बिल्कुल अपने पास बर्फ मिल चुकी है। देखो, ओए होए, ये तो बड़ी टाइट है, बहुत टाइट हो रही है ये तो बर्फ। सामने, ओए होए, कॉमिक विलेज, बर्फ से ढकी हुई चट्टाने। ये है कॉमिक विलेज। यहाँ पे रोड हो जाती है खत्म। कॉमिक हाईएस्ट मोटरबोट विलेज इन द वर्ल्ड, 15,050 फीट पे है हम अभी। तो ये कॉमिक में एक मॉनेस्ट्री जैसी है, तो मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। ऊपर चढ़ के देखते हैं, बंद है, ताला लगा हुआ। तो मैं अभी एक मॉनेस्ट्री पे गया, बहुत ही अच्छी मॉनेस्ट्री थी। लाइक इतना पीस मिल रहा था अंदर मिलके, मैं फोटोग्राफी अंदर कर नहीं सकता था। उन्होंने बोला बाहर से आप गेट से कर लो, पर अंदर फोटोग्राफी मत करो। तो मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है बाहर से ही, और यहाँ पे सांस बहुत फूल रही है क्योंकि बहुत ऊँचाई पर है, आपको दिख ही रहा होगा। और ये मॉनेस्ट्री है, यहाँ पे विमेंस अलाउड नहीं है, सिर्फ जेंट्स ही अलाउड है। तो मॉनेस्ट्री में यहाँ पे लेडीज़ नहीं जा पाएंगी। और सामने का व्यू कुछ इस तरीके से है, सांस बहुत फूल रही है मेरी यहाँ पे आके। और ये मॉनेस्ट्री का गेट छोटा सा, और लामा जी ने मुझे ये गले में बांधने के लिए दिया, ये मैं गले में बांध लूँगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे यहाँ पे लाने के लिए। तो ये भैया मेरे गले में ये बांध रहे हैं, कह रहे हैं 10 दिन तक क्या करना है, पहन के रखो। अच्छा, उसके बाद जला देना इसको, जला देना नहीं तो पेड़ कहीं लटका, पेड़ के पास लटका, ऐसे लगाना इसको। यस सर, ठीक है जी। तो ये मैंने पहन लिया गले में। तो फूड का प्राइस यहाँ पे है, दाल राइस 200 रुपये, वेज बैगी 80, अगर आपको थुपका खाना है तो 200 रुपये, टी ब्लैक 30 रुपीज़, मिल्क टी 40 रुपीज़। तो ऐसे है, थोड़ा महंगा है बट ठीक है,
इतनी ऊंचाई पे ये खाना दे रहे, वही बहुत है। तो अब कॉमिक से चल के हम जा रहे हैं लांगजा। ये रास्ते खुद कहीं नहीं जाते, बट हमें एक ऐसी मंजिल की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि हम जन्नत के पास हैं। मैं सुबह इस रास्ते से आया था क्योंकि बंद था रोड लांगजा वाला। लांगजा के लिए मुझे सीधा जाना है और कॉमिक के लिए आप पीछे जाएंगे। तो हिक्किम के लिए ये वाला रास्ता, लांगजा के लिए सीधा और कॉमिक के लिए आप पीछे जाएंगे। सामने के पहाड़ देखो गाइस, माउंटेन्स देखो और बर्फ देखो राइट साइड में। ये रोड तो कह रही है कि जन्नत यही है, खूबसूरती यही है। आपको दिख रहा हो वो जो पहाड़ है, वो जो चट्टान है, वहाँ पे कलर बिल्कुल अलग अलग है। देख रहे हो, आपको आई होप क्लियर दिख रहा हो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रे, फिर देन वाइट। अपनी बाइक को हम बिल्कुल पास लेके जा रहे हैं लांगजा। दिख रही होगी तो वो है ब्लू कोट, जो वो सिर्फ यहीं पे मिलती है स्पीति में, जो मुझे आ दिख गई। लांगजा की इसकी ऊंचाई है 14,300 फीट और बुद्धा स्टैचू ऑफ लांगजा इसकी ऊंचाई जो है 35 फीट है। तो बुद्धा स्टैचू देख लिया लांगजा का। हिक्किम, कॉमिक, लांगजा देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ काजा। मैं सही रास्ते से आया हूँ ना? कोई है? रास्ता तो सही लग रहा है। इस रोड से अच्छी तो जहाँ से मैं सुबह आया था वो अच्छी थी। मेरे पास अभी टाइम था खाना खाने के बाद, तो अब मैं जा रहा हूँ धानकर। आई नो मेरे लिए उल्टा पड़ जाएगा, बट अगर अब मैं आया हूँ तो धानकर भी देख के चाहूँगा। ओल्ड मोनेस्ट्री डंकर की यहाँ पे है, तो मैं यहीं पे जा रहा हूँ। अभी आई थिंक ये बन रहा है। तो ये है धानकर मॉनेस्ट्री। बाहर का फोटोग्राफी अलाउड है बट अंदर अलाउड नहीं है। ये प्रेयर रूम है इनका। ये है स्तूपा रूम। कुछ शूट किया है, वो भी परमिशन लेके शूट किया है मॉन्क से। उनसे मैंने बोला, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने बोला ठीक है जहाँ पे कैमरा नहीं लगे हुए मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरे पीछे चल रहे थे तो मैंने वहाँ पे शूट कर लिया, आपको दिखा दिया, वरना अलाउड नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आया हूँ अभी हिमालयन कैफ़े में। पनीर मसाला और रोटी ऑर्डर किया है और यहाँ पर सारे राइडर्स आए हैं सारे। हिमालयन कैफ़े में खाना बहुत अच्छा था। इतनी भूख लगी थी कि मैं फ़ोटो खींचना ही भूल गया, वीडियो बनाना ही भूल गया। तो फाइनली गाइस, मैं अपने होम से आ चुका हूँ। आज मैंने पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश की कॉमिक, हिक्किम और लांगजा धनकर को भी। मैं वापस जा रहा हूँ काजा से। जितना हो सकेगा मैं ट्रैवल करूँगा, बट काजा से जाते हुए मुझे ताबू भी देखना है। ताबू में ओल्ड मोनेस्ट्री है, वो जरूर एक्सप्लोर करनी है। फिर परसों तक मुझे अपने घर पहुँचना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या पार्ट अच्छा लगा, और ज़्यादा वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। तो कल मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए ट्रैवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। एंजॉय, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।